हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फटाफट से आपने टाइटल देख लिया तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ यू नो गिविंग पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रेट लेक्स चेन्नई के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो 25 जनवरी को गाइस मैंने दिया था अपना वैट टॉपिक। तो दो टॉपिक हमारे आए थे। तो पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ फर्स्टली। और टॉपिक से पहले हमारी अराउंड 1.5 आवर की ब्रीफिंग हुई थी। तो ब्रीफिंग के बाद हमारा हाफ आवर का वेट हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डू द लीगलाइज बेटिंग कंपनीज लाइक ड्रीम इलेवन शुड बी बैन इन इंडिया। एंड द सेकंड टॉपिक वाज एमएनसी वर्सेस स्टार्टअप, व्हाट डू यू प्रिफर। तो गाइस मैंने पर्सनली फर्स्ट वाला किया था। एंड तो गाइस एक और बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वैट में दे चेक योर क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें कोई राइट या कोई रॉन्ग आंसर नहीं होता है, किसी की अपनी थिंकिंग होती है, आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से आंसर बता सकते हैं। तो फिर 29 जनवरी को हमारा वो पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू जैसे कि आप सब सोचते हैं कि वाई एमबीए और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं, बट जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो दे जस्ट सिंपली आस्क कि हाउ वाज योर डे। तो मैंने उनको बता दिया कि लाइक ऑर्डिनरी डे, ये वो सब जो भी आपको बताना है आप बताइए अपने हिसाब से। उसके बाद वो थोड़ा पूछते हैं कि आपके बारे में, आपके फादर का क्या बिजनेस है। तो कुछ बात हुई थी तो फादर के बिजनेस के बारे में बात हुई। उसके बाद उन्होंने बस जीके से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो पता ही होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब आप प्रिपेयर करके पहले से ही जा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दे आस्क वाज वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। तो इसका भी सबका अपना पर्सनल आंसर होता है, तो इसमें कोई रटा रटाया आंसर नहीं आप दे सकते हो। सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है कि उसको क्या आंसर देना है, वो कहाँ पर चाहता है। किसी की अपनी अपनी एस्पिरेशन, एम्बिशन होती हैं। तो इसका आंसर देने के बाद बस उन्होंने यही पूछा था कि क्या आप आने वाले टाइम में अपने फादर के बिजनेस में लग सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बता दिया था कि मेरे को क्या करना है, कि मेरे फॉर्म में लिखा हुआ था कि अबाउट आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड वॉच क्रिकेट। तो उन्होंने क्रिकेट से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन पूछा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन था। मैंने बता दिया उनको MS धोनी। दैन फिर उन्होंने मेरे को विराट कोहली और MS धोनी के कंपेरिजन के बारे में पूछा। तो गाइस जब कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको थोड़ा वहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत वेल यू नो अपनी ही फील्ड में दोनों ही एक बहुत अच्छे यू नो प्लेयर्स हैं। तो दोनों के नंबर्स जैसे कैप्टन अच्छे हैं और एंड एज अ बैट्समैन ऑल्सो। तो आपको वहाँ पर बायस नहीं होना है, वहाँ पर आपको पर्टिकुलर रीज़न देना है कि आप उनको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, किस वजह से उनको कंपेयर कर रहे हैं। और तो आप क्रिटिकल रीजनिंग आपके वो देखते हैं कि आप किस बेसिस पर उनको कंपेयर कर रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि एक पेयर अच्छा खेलता है, एक बेकार खेलता है। आपको थोड़ा अलग थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको इसलिए ही बोलते हैं कि आपको थोड़ा अलग सोचना है कि आप क्या सोचते हो, कैसे कंपैरिजन होना चाहिए दो प्लेयर्स का, क्योंकि दोनों ने ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, इंडिया के लिए भी और अपने लिए भी। तो उसके सो लास्टली दिस सेड इज डू यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। तो मैंने उनसे अपना एक क्वेश्चन, मैंने सोचा हुआ भी था कि शायद मैं पूछ सकता हूँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो। तो फिर मैंने उनसे अपना जो भी मेरे को क्वेरी थी मैंने उनसे अपनी पूछ ली है। तो उसके बाद उन्होंने उसका आंसर बहुत ही पोलाइटली दिया है। आप सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, इंटरव्यू में डरना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो आप साफ बोल सकते हैं कि नहीं पता है। गलत देने से बढ़िया तो आप बोल दीजिए कि नहीं पता है, या फिर थोड़ा सोच के बोल दीजिए कि मेरे को नहीं पता है। क्योंकि अगर आपको आपको नहीं पता है और आप फिर भी आंसर दे रहे हैं और गलत दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा लगता है कि हाँ ये इंटरव्यूअर्स को पागल समझ रहा है, या कुछ भी आप बोल सकते हो। तो सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। और दूसरा कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं वो पूछेंगे जिसमें आपको लगे कि मेरा सिलेबस का उठा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। बेसिक पूछते हैं, अगर आप फाइनेंस के हैं तो फाइनेंस के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। और हाँ गाइस, जो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्फिडेंस तो का तो गेम है ही, सारा आपका वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, देखते हैं कि वो टैकल कर पाते हैं, आप टैकल कर पाते हो नहीं, प्रेशर वगैरह, आपकी थिंकिंग तो चेक करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना जो चाह रहा था कि आप प्लीज़ फॉर्मल क्लोथ्स में अपना इंटरव्यू दें। Either you can wear a tie or wear a coat and with plain white shirt. तो थोड़ा आपको डिसिप्लिन, थोड़ा एक फॉर्मल लुक देता है, तो इट इज़ ऑलवेज गोना एड अप इन टू योर इंटरव्यू। तो उस चीज़ का भी आप प्लीज़ ध्यान रखें। और बाकी सेकेंड ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, सबको इतना कॉन्फिडेंस दिखाएं कि वो भी उनको भी लगे कि हाँ कि बंदे में कुछ है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। और आगे मेरा तापमी और IIM दिल्ली का भी इंटरव्यू है मेरा, तो उसके बारे में भी, उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पर डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।